वेव्स के अंदर सबसे पहले ये स्टार्ट है वेव मोशन. वेव मोशन होने का रीज़न वो पूछ सकता है एक इलास्टिसिटी और एक इनर्शिया, क्योंकि मीडियम इलास्टिक होना चाहिए तभी ऊपर नीचे पार्टिकल मूव करेगा, और इनर्शिया होना चाहिए. ऐसा ना हो पार्टिकल नीचे गया जब मेन पोजीशन पे आया तो रुक गया, उसको इनर्शिया ऑफ मोशन चाहिए ताकि वो टू एंड फ्रो दो पोजीशन के बीच में मूवमेंट कर सके. नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेव में मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल. मैकेनिकल वेव में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बाय फिजिकल मीडियम पार्टिकल जैसे कि साउंड वेव. नॉन मैकेनिकल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो प्लस टू के अंदर हमने नॉन मैकेनिकल की और प्लस वन के अंदर हम मैकेनिकल करेंगे. टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल करेंगे. ट्रांसवर्स ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, लॉन्गिट्यूडनल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन. किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होती है. वेव की वेलोसिटी है या v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इसे क्रेस्ट और इसे ट्रफ बोलते हैं. एक वेव की लेंथ वेव लेंथ है लैम्डा. नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन का भी v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा का फॉर्मूला है वेव की वेलोसिटी का. वेव की वेलोसिटी पे पक्का क्वेश्चन आएगा v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा पे. दूसरा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन. ट्रांसवर्स वेव मोशन स्ट्रेच स्ट्रिंग एग्जाम्पल है. एक खींची हुई रस्सी, जब एक रस्सी को खींच के रखते हैं और आप क्रेस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस करते हैं वो ट्रांसवर्स वेव है. तो उसमें अगर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है किस में, सॉलिड में, तो उसकी वेलोसिटी का ये फॉर्मूला नोट करें अंडर रूट ऑफ ईटा बाय रो, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और रो फॉर डेंसिटी. इन फॉर्मूला में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पक्का आएगा. तो ये पहला फॉर्मूला है वेलोसिटी का अंडर रूट ऑफ ईटा बाय रो. ठीक, ये पहला फॉर्मूला है. नेक्स्ट है किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में बहुत क्वेश्चन आते हैं खिंची हुई रस्सी में वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, वेयर म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ. नोट करो टी फॉर टेंशन द स्ट्रिंग, म्यू फॉर मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू. कौन सी वेव है ये? स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला है. नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है लॉन्गिट्यूडनल का. लॉन्गिट्यूडनल में वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, नोट कर लें v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k प्लस 4 बाय 3 ईटा बाय रो. लॉन्गिट्यूडनल का मतलब इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन. तो k फॉर बल्क मॉडुलस, ईटा फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड रो फॉर डेंसिटी. वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आता देखा नहीं है, या तो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर आता है ये, या क्वेश्चन आता है इस पे बहुत आता है स्टील रॉड. वो देगा स्टील रॉड, लॉन्गिट्यूडनल स्पेशली बोलेगा स्टील रॉड है अंडर रूट ऑफ वाई बाय रो, वाई फॉर यंग मॉडुलस, रो फॉर डेंसिटी. टिपिकल फॉर्मूलाज हैं, कुछ नहीं कर सकते, फॉर्मूला याद करना है, कोई तरीका नहीं. ठीक, तो पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक. लिक्विड या गैसेस पे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है. लिक्विड या गैस में स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल साउंड की स्पीड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय रो, के फॉर बल्क मॉडुलस आएगा, अंडर रूट ऑफ के बाय रो, के फॉर बल्क मॉडुलस, रो फॉर डेंसिटी. ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड. न्यूटन ने कोशिश की थी स्पीड ऑफ साउंड निकालने की और न्यूटन ने इनकरेक्ट रिजल्ट दिया था. न्यूटन ने यह माना था जब साउंड ट्रेवल करती है गैस में तो जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल इन नेचर है. तो उसने वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला लगाया के बाय रो में, के अंडर आइसोथर्मल कंडीशन. फिर नेक्स्ट है लैपलेस. लैपलेस ने करेक्शन की थी और उसने फॉर्मूला क्या कहा था कि जब साउंड ट्रेवल करती है तो प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होता, प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक होता है. तो के एडियाबैटिक बाय रो, तो उससे आंसर सही आया था. सही आंसर कितना आया था? इतना आया था, ये नोट करें. वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो. वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो, ये बिल्कुल न्यूमेरिकल में चलने वाला फॉर्मूला है. तो गैस के अंदर वो पूछेगा साउंड की स्पीड बताओ, तो गामा पी बाय रो का फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड का. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला किसी भी गैस में, मोनोटॉमिक गैस है, डायटॉमिक गैस है, उसके अकॉर्डिंगली गामा कैन बी चेंज, गामा की वैल्यू चेंज हो जाएगी. इसके बाद करेक्ट वैल्यू 332 के आसपास होती है स्पीड ऑफ साउंड की. नेक्स्ट है फैक्टर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला गामा पी बाय रो, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी. ये पहला रिजल्ट है, वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी भी गैस में अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहला फॉर्मूला. नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी में प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर से डेंसिटी कम हो जाती है. प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी से डेंसिटी कम होती है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीजेस. ह्यूमिड में वेलोसिटी इंक्रीज होती है. ये फैक्टर नोट करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी नोट करेंगे, प्रोवाइडेड प्रेशर कांस्टेंट है.
ह्यूमिडिटी नोट करेंगे, वेलोसिटी बढ़ती है। दूसरा फैक्टर है, तीसरा वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी नोट करें, गामा आर टी बाई एम बहुत चलता है, ये गामा आर टी बाई गैस का मॉलिकुलर मास, ये बहुत चलता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है गामा आर टी, या तो आएगा गामा पी पी बाई पी वाला फॉर्मूला गामा पी बाई रो, या फिर ये आएगा गामा आर टी बाई एम, ये नोट करें। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस, और मॉलिकुलर मास पर भी डिपेंड करता है, ये नोट करें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड का। ठीक, ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, नोट कर लें, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है साउंड की स्पीड पे, प्रेशर कम ज़्यादा हो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। एम्पलीट्यूड का कोई फ़र्क नहीं है, फ्रीक्वेंसी का कोई फ़र्क नहीं है, इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं है। विंड में ये होता है, अगर विंड के साथ स्पीड साउंड जा रही है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर ऑपोजिट आ रही है वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो वेक्टर सम से सॉल्व हो जाएगा। ये फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव के अंदर सबसे पहला पॉइंट, ये जो आपकी वेव है इसका वेव फंक्शन नोट करें, वेव की इक्वेशन नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आना है। कोई भी वेव है उसकी इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव है, प्लेन प्रोग्रेसिव है, जो आगे की तरफ बढ़ती है, उसकी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव की इक्वेशन है, हमने ई एम वेव में भी की थी, ये वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पर ये भी नोट करें के का मतलब होता है ओमेगा बाई वी, आएगा पक्का पेपर में, के का मतलब वेव नंबर के ओमेगा बाई वी, या फिर ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी बाई वी, फ्रीक्वेंसी बाई वी क्या होता है 1 बाई लैम्डा, ये नोट करें 2 पाई बाई लैम्डा, और ये दोनों फॉर्मूला नोट करें, के का पहला फॉर्मूला ओमेगा बाई वी, दूसरा फॉर्मूला 2 पाई बाई लैम्डा, ये दोनों नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो पक्का क्वेश्चन आना ही आना है वेव की क्वेश्चन पे, और उस फॉर्मूले से आपको लैम्डा पूछेगा ही पूछेगा। तो के का फॉर्मूला क्लियर है ओमेगा बाई वी, और के का फॉर्मूला दूसरा क्या है 2 पाई बाई लैम्डा, कोई डाउट इसमें? इस इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाई करूं, करना नहीं है आपने, तो ये भी वेव की इक्वेशन नोट करें, एक ही बात है, चाहे ये याद करें चाहे ये याद करें, एक ही बात है, ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू वीटी माइनस एक्स, ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू वीटी माइनस एक्स, यहां तक क्लियर है? अगर आपकी रस्सी वेव मेरे हाथ में मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है, फिर तो ये इक्वेशन है जो ऊपर बताई, पर अगर रस्सी यहाँ से नहीं स्टार्ट होती, थोड़ी ऊपर या नीचे से स्टार्ट करता हूँ मैं, एक तो है मीन पोजीशन से स्टार्ट होना, एक है स्टार्ट ही एक्सट्रीम से करना और फिर ऊपर नीचे लेके आना, तो उसमें ना फाइव अल्फा या फाइव ही ऐड हो जाता है, जिसको इनिशियल फेज बोलते हैं। तो कई इक्वेशन में इनिशियल फेज गिवन होता है, इसका मतलब आपकी वेव मीन से स्टार्ट नहीं हुई, उसका जो ओरिजन है जहाँ से वेव पैदा हो रही है वो मीन से स्टार्ट नहीं कर रहा, कहीं और से स्टार्ट कर रहा है, पर ये आपको ये निकालना नहीं होता, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होता है, और आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ये तो वेव ऑप्टिक्स में बहुत बार कर लिया, ये नोट कर लें, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो मैंने कराया हुआ है ये वेव ऑप्टिक्स में, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फॉर्मूला लगा लें, या एक शॉर्टकट कराया था, क्या कराया था, लैम्डा को अपने मन में 2 पाई डाल लें, लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, तो मन में 2 पाई बाय 2 क्या होता है पाई, फेज डिफरेंस आ गया। तो जैसे अगर फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, मतलब उल्टा हो जाएगा, इसमें उल्टा कैसे होगा, लैम्डा बाय 4, कैसे, अपने मन में ऐसा कर लेना, लैम्डा का मतलब क्या होता है 2 पाई, तो पाई का मतलब क्या होता है लैम्डा बाय 2, तो आप यहां पर पाई की जगह क्या पुट कर दें लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 2 पुट करेंगे, लैम्डा बाय 2 बाय 2 क्या जाएगा लैम्डा बाय 4। तो हमने वेव ऑप्टिक्स में काफ़ी किया है, लैम्डा का मतलब 2 पाई होता है, बस ये याद रखा जाए, उसी से फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन वेव ऑप्टिक्स में किया हुआ है, दो वेव्स का आपस में मिलना था कि क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरे, ट्रफ ट्रफ पे गिरे, और बड़ा क्रेस्ट और बड़ा ट्रफ निकले, या आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं, वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की एप्लीकेशन है, हम वेव्स में करेंगे, पहले इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, जब दो वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोज होती हैं और दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या रखी जाती है सेम, तो इंटरफेरेंस, हमने ये प्लस टू में किया। नेक्स्ट, अगर दो वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज होती है और फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसको क्या बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स, सेम डायरेक्शन में बोलते हैं इंटरफेरेंस, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स। और अगर दो वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा नहीं है तो क्या जनरेट होती हैं वेव्स।
देखो ना, मिलती जुलती है, तीनों प्रोसेस मिलते जुलते हैं। प्लस वन के बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल है ये क्या होता है। अब आप प्लस टू कर चुके हैं, आपको पता है कि वेव ऑप्टिक्स में आपने क्या किया, तो आपने ये किया। वो इंटरफेरेंस साउंड में भी लगती है और लाइट में भी लगती है, पर आपने लाइट में सीखी, साउंड में नहीं सीखी। पर साउंड में सेम फिनोमेना लगता है, कोई फर्क नहीं है। तो साउंड में इंटरफेरेंस है और ये हमने लाइट के अंदर कर ली, और ये आज हम करेंगे व्हेन टू वेव्स आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन, तो बीट्स और स्टेशनरी वेव कैसे जनरेट होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के अंदर याद रखेंगे, अगर एक वेव आ रही है और एंड फिक्स्ड है तो क्रेस्ट आएगा तो टकरा के ट्रफ वापस जाएगा, क्रेस्ट आएगा ट्रफ वापस जाएगा, और इसके अंदर क्रेस्ट आएगा, और अगर ये मूवेबल एंड है, फिक्स नहीं है, तो क्रेस्ट ही वापस जाएगा। तो इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस ऑफ पाई। क्रेस्ट का ट्रफ में बनना फेज डिफरेंस ऑफ पाई हो गया, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, फेज चेंज नहीं है, ठीक। ये रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट है स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव में हम क्या करने वाले हैं कि एक तो स्ट्रिंग के अंदर करने वाले हैं, तीन पार्ट्स करेंगे। पहला स्टेशनरी वेव बनाएंगे किसी भी एक रस्सी के अंदर, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में बनाना। एक बनाएंगे एक ट्यूब के अंदर, रेजोनेंस ट्यूब के अंदर, एक एंड क्लोज एक एंड ओपन, और दूसरा बनाएंगे एक ट्यूब के अंदर जिसमें दोनों एंड्स ओपन, ये बनाएंगे हम। तो पहले स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रेच स्ट्रिंग में क्या होता है कि एक रस्सी है, एक वेव गई, जब वेव जाती है लेफ्ट टू राइट जाती है तो उसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड होती है प्रोग्रेसिव वेव की, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू वीटी माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब होता है वेव लेफ्ट से राइट जा रही है, टकरा के वापस आएगी। जब टकरा के वापस आएगी तो राइट टू लेफ्ट में एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। और क्योंकि स्ट्रेच स्ट्रिंग है, खींची हुई स्ट्रिंग है, एंड फिक्स्ड है, फिक्स्ड एंड से क्रेस्ट ट्रफ बन जाता है, ट्रफ क्रेस्ट बनता है, तो वाई की वैल्यू भी साथ के साथ क्या हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, नेगेटिव। वाई भी नेगेटिव और एक्स तो नेगेटिव है ही है। तो ये जाने की और आने की वेव है, इन्हें अगर सुपर इम्पोज करें, करना नहीं है आपने, करने के बाद आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, ये वेव स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, ये नोट कर लें। स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ये होती है, स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है, और इसमें ये जो टर्म है ये एम्पलीट्यूड होता है, जिसमें एक्स आता है वो एम्पलीट्यूड होता है, और जिसमें टाइम आता है वो एम्पलीट्यूड का पार्ट नहीं है। तो ये एम्पलीट्यूड है। कई बार वो क्या करता है, आपको ना स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दे देगा कोई भी, फिर आपको ना कंपेयर कैसे करना है पता नहीं लगता, तो कंपेयर हो जाएगा ना, ये इक्वेशन याद है तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स कंपेयर करके लैम्डा और जो भी ये वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, ऐसे आंसर आता है, ठीक है यहां तक, ठीक है। इसमें और कुछ नोट नहीं करना आपने। इसके बाद ना डेरिवेशन है कि कैसे बनती है कैसे नहीं बनती। तो पहली जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है वो ऐसी है। स्ट्रेच स्ट्रिंग में बेसिकली क्या होता है, जब पहली बार डायग्राम बनेगा वो क्या बनता है, बेसिकली ये जो कॉर्नर के एंड्स हैं वो मूव नहीं करते कभी भी। वो कैसे मूव करेंगे, वो तो फिक्स्ड है। तो जो एंड्स मूव नहीं करते आफ्टर सुपरपोजिशन, उनका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहता है, जीरो। उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्स। तो नोड वो पॉइंट है जिनका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, जीरो। और बीच में एक इस पार्टिकल, ये जो रस्सी का ये पार्टिकल था उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंटी नोड। तो पहला डायग्राम क्या बनता है, ये डायग्राम बनता है, याद रखना। स्ट्रेच स्ट्रिंग में कॉर्नर पे तो नोड बनने ही बनने हैं, एक एंटी नोड बीच में बनेगा, और ये कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो पूछेगा पेपर में, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में स्ट्रेच स्ट्रिंग में कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स हैं, तो दो नोड्स हैं और एक एंटी नोड है, ठीक है, ये पार्ट हो गया। दूसरा पूछेगा इसकी लंबाई क्या है, इसकी वेवलेंथ क्या है, इसकी लंबाई तो एल थी स्ट्रिंग की, और ये डायग्राम देख रहे हो, एक लूप का मतलब होता है लैम्डा बाई टू, दो लूप्स का मतलब होता है लैम्डा, एक लूप की लेंथ क्या होती है, लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा वन बाई टू होता है। तो ये इसका पहला डायग्राम है। तो लैम्डा वन की वैल्यू, एल का मतलब लैम्डा वन बाई टू, तो लैम्डा वन क्या आ गया, टू एल। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वी बाई लैम्डा वन, लैम्डा वन की जगह टू एल, और वेलोसिटी की वैल्यू खिंची हुई रस्सी में क्या होती है, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो ये पहली फ्रिक्वेंसी आती है जिसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। ये फॉर्मूला अभी नोट नहीं करना, मैं नोट करवाऊंगा, रुको दो मिनट। तो ये पहली फ्रीक्वेंसी है। दूसरा डायग्राम ऐसा बनता है जिसमें कितनी लूप्स बनती हैं, दो लूप्स बनती हैं, क्योंकि कॉर्नर पे तो नोड बनने ही बनने हैं, बीच में एक और नोड बन जाता है, तो ये एंटी नोड और ये एंटी नोड। तो नोड, दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड आना ही आना है। पूछेगा ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, कितने नोड और कितने एंटी नोड, तो कितने नोड्स हैं, एक दो और तीन नोड्स हैं और दो एंटी नोड्स हैं, याद रखना। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या डायग्राम बनेगा, तीन लूप बनेंगे। पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक लूप है,
दूसरे में दो लूप्स हैं, तीसरे में तीन लूप्स हैं, तो इसके अंदर नोड 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 एंटी 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 नोड, तो काउंट होके हो गया। अब ऐसी जो अगला केस है वो एक ऑर्गन पाइप है जिसका एक एंड क्लोज है एक एंड ओपन है, एक एंड बंद है एक एंड ओपन है, तो इसके अंदर जब वेव जाती है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन सेम है इसकी भी, लिख लेना। जो स्टैंडिंग वेव बनती है आफ्टर सुपर पोजिशन, जो स्ट्रेच स्ट्रिंग वाली जो इक्वेशन बनी थी स्टैंडिंग वेव और इसकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, सेम बनती है, तो सेम लिख लेना कंपैरिजन करने को अगर आ जाए। इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसका पहला डायग्राम ऐसा बनता है क्योंकि एक एंड पाइप का क्लोज है एक ओपन है, ओपन एंड का पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर सकता है तो एंटी नोड है और जो मूव नहीं कर सकता वो नोड है, तो पहला डायग्राम ऐसा बनता है ये देख लो। तो एक एंड पे नोड है एक एंड पे एंटी नोड है, एक लूप का मतलब लैम्डा बाय टू होता है, ये तो आधी लूप है, आधी लूप का मतलब ये लंबाई क्या होगी लैम्डा बाय फोर होगी, तो लैम्डा वन क्या है फोर एल है, न्यू वन क्या है वी बाय लैम्डा वन है, लैम्डा वन की जगह फोर एल है, ये पहली फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको नोट नहीं करना है बताऊंगा कैसे करना है। नेक्स्ट डायग्राम में क्या करना है, अगला डायग्राम कैसा बनता है, एक एंड पे नोड एक एंड पे एंटी नोड रखना ही रखना है, इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं, और नोड क्योंकि और इसके बीच में एंटी नोड और नोड एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो एक दो दो एंटी नोड हैं और दो नोड्स हैं, ये डायग्राम याद रखना है, पूछेगा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितने नोड और कितने एंटी नोड्स हैं, याद रखना है डायग्राम। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ऐसे बनेगा, दो कंप्लीट लूप बनती है एक आधी बनेगी बनेगी, आधी लूप तो रहेगी रहेगी इसमें, तो कोई भी केस ले लो, तो काउंट कर लेना कितने नोड कितने एंटी नोड हैं, काउंट करने आने चाहिए। फिर उसके बाद एक पाइप है जो ओपन एट बोथ एंड है, जो पाइप ओपन एट बोथ एंड है उसमें स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन बनती है वो उल्टी बनती है, कॉस की जगह साइन साइन की जगह, ये लिख लो पाइप ओपन एट बोथ एंड में स्टेशनरी वेव आफ्टर सुपर पोजिशन ये इक्वेशन बनती है, ठीक। तो पाइप ओपन एट बोथ एंड में आफ्टर सुपर पोजिशन स्टेशनरी वेव ये बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर डायग्राम कैसे बनते हैं, डायग्राम ऐसे बनते हैं, ये पाइप है, इस पाइप में ये जो है पार्ट यहां पे तो एंटी नोड आने ही आने हैं क्योंकि दो एंड इसके ओपन है, दो एंटी नोड के बीच में क्या बनेगा एक नोड, तो दो एंटी नोड है और एक नोड है, ये केस बन गया। दूसरा केस क्या बनता है इसमें, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में दो एंड पे एंटी नोड आने ही आने हैं और बीच में एक लूप एक्स्ट्रा बन जाती है, तो काउंट कर लेना एक एंटी नोड दो एंटी नोड तीन एंटी नोड और दो नोड्स हैं, काउंट करने आने चाहिए। नेक्स्ट में दो लूप बीच में बन जाती है और आखिरी में तो ये बनना ही बनना है एंटी नोड, तो ये इसके डायग्राम्स हैं जो पता होने चाहिए कितने एंटी नोड और कितने नोड्स हैं। अब जो इस पे क्वेश्चन आएगा वो इस टेबल पे आएगा, टेबल पहले ध्यान से देख लो फिर लिख लेना अपने चार्ट जो बनाना है आपने इसमें। इस टेबल में ये बताया हुआ है हमने तीन केस किए, पहला स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड, दूसरा पाइप ओपन एट वन एंड, तीसरा पाइप ओपन एट बोथ एंड, तीन केस हो गए। एन इज इक्वल टू वन फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, टू सेकेंड मोड, थर्ड मोड, फोर्थ मोड एंड एनथ मोड, टेबल बन गया यहाँ पे। तो स्ट्रिंग टाइड एट बोथ हैंड में n इज इक्वल टू वन फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको फंडामेंटल बोलते हैं, तो आप ये लिख लें कि स्ट्रिंग टाइड एट बोथ हैंड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे पक्का क्वेश्चन आएगा v by 2l होती है, ठीक है। चाहे टेबलर फॉर्म में लिख लें, टेबल की फॉर्म में लिख लें, जैसे लिखना वैसे लिख लें, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v by 2l होती है स्ट्रिंग टाइड एट बोथ हैंड में, लेकिन पाइप ओपन एट बोथ वन एंड में v by 4l होती है, ये इंपॉर्टेंट है, पाइप ओपन एट वन एंड में v by 4l होती है और पाइप ओपन एट बोथ एंड में v by 2l होती है, v by 2l होती है, तो ये तीन फ्रीक्वेंसीज को नोट करें। यहां तक क्लियर है, तीन फ्रीक्वेंसी नोट कर ली। जो अगली फ्रीक्वेंसी है, अगली फ्रीक्वेंसी ध्यान से, n इज इक्वल टू 2 सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रिंग टाइड
स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड में, सेकेंड फ्रीक्वेंसी टू टाइम्स फंडामेंटल होती है, इसको ट्वाइस कर देना है, और थर्ड मोड में 3 × ν1 होता है, फोर्थ मोड में 4 × ν1 होता है, और nth में n × ν1 होता है। तो ये नोट कर लें, इसमें सेकेंड फ्रीक्वेंसी टू टाइम्स, थ्री टाइम, फोर टाइम। तो मैं पूछूंगा कि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो थ्री टाइम्स फंडामेंटल, फंडामेंटल याद की हुई है v/12, तो 3 × फंडामेंटल हो जाएगी। ठीक हो गया आपको? अब पाइप ओपन एट बोथ वन एंड में, ठीक, पाइप ओपन एट वन एंड में पहली फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, दूसरी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टू टाइम नहीं होती, वो थ्री टाइम न्यू वन होती है, 3 गुना ज्यादा होती है सीधी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 5 गुना ज्यादा होती है, नेक्स्ट 7 गुना ज्यादा, ऐसे 2n-1 × ये 2n-1 × ν1 होती है, तो ऑड मल्टीपल होती है इसमें। तो ये टेबल में नोट कर लें, तो पहली फ्रीक्वेंसी न्यू वन 2 × ν1, 3 × ν1, 4 × ν1, न्यू वन 3 × ν1, 5 × ν1, 7 × ν1। आखिरी में कोई चक्कर नहीं, पाइप ओपन एट बोथ एंड में न्यू वन 2 ν1, 3 ν1, 4 ν1 एंड से, इसमें कोई चक्कर नहीं। यहां तक क्लियर है? लिख लिया। अब ओवरटोन्स, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, पहली फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल बोलते हैं और बाकी फ्रीक्वेंसीज को ओवरटोन्स बोलते हैं। पहली खास है फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, बाकी ओवरटोन्स हैं, तो पहली फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन नहीं बोलते। तो पहला ओवरटोन क्या है? ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ये वाली न्यू टू, ये पहला ओवरटोन है पहली को छोड़ के। तो मैंने क्या किया, जैसे ये सेकेंड ओवरटोन है, तो मैंने एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला बना दिया, जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसमें से वन सबट्रैक्ट कर दो। तो अगर ये टू है सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, वन सबट्रैक्ट करो, फर्स्ट ओवरटोन आ जाएगा, एक पीछे करना है। थ्री है तो सेकेंड ओवरटोन है, फोर है तो थर्ड ओवरटोन है, सिंपल। तो ओवरटोन की नंबरिंग क्लियर है? तो क्वेश्चन आएगा कि सेकेंड ओवरटोन में स्ट्रेच स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बोलो क्या होगी, 3 × ν1। ये केस, अब केस आइडेंटिफाई करना है ना, थर्ड ओवर सेकेंड ओवरटोन है तो ये आएगा, या थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन तो भी ये आएगा, राइट? तो ओवरटोन्स की कहानी समझ में आ गई, मोड ऑफ वाइब्रेशन से वन माइनस करेंगे, ओवरटोन बन गया। नेक्स्ट है हार्मोनिक, न्यू वन का जो मल्टीपल है उसको हार्मोनिक बोलते हैं। जैसे ये 1 × ν1 है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये 2 × ν1 है, ये सेकेंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फोर्थ हार्मोनिक है। इधर देखें, फर्स्ट हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है, सेवंथ हार्मोनिक है। इधर देखें, फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक है। इसमें सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं, इसमें सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं, पर इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, इवन नहीं होते, तो आपके सामने है, क्लियर है? मैं ये भी पूछ सकता हूं, स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है? आप बोलेंगे 3 × ν1। पांचवें हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 × कुछ नहीं करना, जो भी हार्मोनिक होगा उसको न्यू वन से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। हार्मोनिक आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान है, कंफ्यूजन होती है ओवरटोन्स में। मोड ऑफ वाइब्रेशन भी क्लियर है, मोड ऑफ वाइब्रेशन में कुछ चक्कर नहीं है, ओवरटोन में एक माइनस करना होता है। तो ये टेबल समझ में आ गया सारा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, इसी में से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा सारा। सबसे वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहां तक इस टेबल के बाद नेक्स्ट बीट्स, बीट्स क्या है, बीट्स को एक बार देखते हैं। देखो बीट्स में कुछ नहीं है, दो वेव जा रही हैं सेम डायरेक्शन में, और वो पूछेगा बीट फ्रीक्वेंसी क्या है। सीधा नोट करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी न्यू वन माइनस न्यू टू है। ये नोट करें, कितनी बीट जनरेट हो रही हैं एक सेकंड में, उसको बोलते हैं न्यू वन माइनस न्यू टू बीट फ्रीक्वेंसी। बीट का मतलब होता है जब दो वेव मिलती हैं तो मैक्सिमा मिनिमा जनरेट होता है, जैसे इंटरफेरेंस में होता था मैक्सिमा मिनिमा। प्लस वन में समझाना मुश्किल है, प्लस टू में ईजी है। साउंड में भी मैक्सिमा मिनिमा जनरेट होते हैं, तो एक मैक्सिमा एंड एक मिनिमा को एक बीट बोलते हैं। सुनने में एक मैक्सिमा एक मिनिमा एक बीट बोलते हैं। तो अगर मान लो एक की फ्रीक्वेंसी 50 है साउंड की और एक की 45 है, तो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 5 बीट्स जनरेट होंगी एक सेकेंड, यानी कि 5 बार मैक्सिमा होगा, 5 बार मिनिमा होगा, बस ये याद रखना। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी है, और इसमें
ये लिखा होता है इसमें, जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग है, जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग में जब हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनाई थी वो ये थी पहली फंडामेंटल। वो कहता है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रेच स्ट्रिंग में है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है अगर टी और म्यू कांस्टेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ म्यू है। इसमें फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, म्यू का मतलब क्या है मास अपॉन लेंथ, मास का मतलब क्या है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम का मतलब क्या है पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, और ये टर्म आ गया, और लेंथ अगर 1 है पर मीटर है तो ये आपका क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम और लेंथ, लेंथ तो 1 ही है इसमें, तो यहाँ से वैल्यू को जब यहाँ पुट करते हैं तो ये ना डायमीटर के साथ रिलेशन निकालता है, डायमीटर फ्रिक्वेंसी और डायमीटर ऑफ वायर का क्या रिलेशन है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में आएगा। आप सिंपली ये फॉर्मूला याद रखें, म्यू का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, मास इज वॉल्यूम इन टू डेंसिटी, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, तो वहां से अपने आप ही रेडियस और डायमीटर ऑफ द वायर अपने आप निकल आएगा, इसको स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं जो हमने किए। इसमें जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर स्टील रॉड वाई पता है, रो पता है, वेलोसिटी बताओ लॉन्गिट्यूडनल वेव में स्टील वायर में, आज मैंने लिखवाया था स्टील रॉड में अंडर रूट ऑफ वाई बाय रो, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है। नेक्स्ट है जैसे ये देखो, ट्यूनिंग फोक जिसकी फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्स है प्रोड्यूसेस साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ गिवन इन एयर एट एसटीपी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ बताओ जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो एसटीपी पे टेम्परेचर कितना है 273 है, टेम्परेचर 300 केल्विन कर दिया, वी क्या होता है न्यू लैम्डा, तो यहाँ से वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हो। अब जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट ऑफ किसके प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, साउंड है ना, साउंड अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है गामा आर टी बाई एम से, तो यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर 300 है वेलोसिटी निकालनी है, जब टेम्परेचर 273 है वेलोसिटी 330 है, स्टैंडर्ड है 332 से 330 जो गिवन है, क्या गिवन है नहीं गिवन तो 332 भी पुट कर, 332 भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। वेलोसिटी आ गई तो वी इज न्यू लैम्डा से लैम्डा आ गया, लैम्डा पहले वाला तो पता ही है, दूसरे वाला हमने निकाल लिया, दोनों को चेंज करके चेंज इन वेवलेंथ आ गई। मतलब कहने का मतलब ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली टेम्परेचर चेंज कर देगा, कभी प्रेशर चेंज कर देगा, कुछ भी चेंज करेगा जिससे वेलोसिटी ऑफ साउंड अफेक्ट होगी, फिर अपना क्वेश्चन पूछेगा। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। बाकी इसमें जैसे डेंसिटी से पूछ लेगा कि मैं डेंसिटी चेंज कर रहा हूँ तो वेलोसिटी पे क्या असर होगा, तो डेंसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये रिजल्ट हमें पता ही है। देखो इसमें पूछ लेगा गामा आर टी बाई एम, वो गामा चेंज कर देगा, एक मोनोटॉमिक गैस दे देगा, एक हाइड्रोजन देगा, एक हीलियम ले लेगा, फिर वो क्या करेगा कैपिटल एम भी चेंज कर देगा, हीलियम और हाइड्रोजन का पता ही है डिफरेंट होता है 4 और 2, तो आंसर आ जाएगा वेलोसिटी के रेशियो। मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि वो पूछ सकता है। इसमें इसके अंदर ना जो नेक्स्ट टर्म है वो है, अगर पेपर में आ जाए कि ना आप पार्टिकल की वेलोसिटी निकालो, वेव की इक्वेशन में ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है किसी भी इंस्टेंट पर, बहुत पेपर में आता है ये। वो कहेगा कि वेव की वेलोसिटी निकालो, देखो वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी में फर्क है, वेव ऐसे जा रही है सीधी वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, पार्टिकल खड़ा खड़ा ऊपर नीचे मूव कर रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है वेव की वेलोसिटी अलग है, पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट पर ये डिस्प्लेसमेंट है, आपको उस क्वेश्चन में जो आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन होगी उसके अंदर उसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, ताकि आप क्या निकाल सकें पार्टिकल की वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आप क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट को जो है डिफ्रेंशिएट करके पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लेंगे, ये पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। फिर कहेगा मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लो, मैक्सिमम वेलोसिटी में कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा ए ओमेगा रहेगी, लिख लो किसी भी वेव में पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, एसएचएम का रिजल्ट फॉलो करती है, ए ओमेगा की पार्टिकल वेलोसिटी लिख लो, पार्टिकल वेलोसिटी ये रही, और लिख लो पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो ए ओमेगा रहेगी, ये लिख लो। ठीक है यहां तक ये याद रखना है आपने, आए हुए क्वेश्चन बहुत आए हैं इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट एक रिजल्ट ये भी लिख सकते हो, वैसे आता नहीं है पर फिर भी क्या कह सकते हैं, जरूरत नहीं है, चलो छोड़ो यार इसको क्या करेंगे, ये लिखेंगे
वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये हमने कर लिया। आप सीधी इक्वेशन के ऊपर आए, जैसे क्वेश्चन आएगा ऐसा, बहुत पेपर में आता है, y का ये फॉर्मूला दे देगा, आपको ये पूछेगा एम्पलीट्यूड निकालो, तो आप पहले जो ये इक्वेशन गिवन है, पहले ना 2 पाई को मल्टीप्लाई करो, बाहर मत रख लेना, 2 पाई को मल्टीप्लाई करके दो टर्म बना लेना, फिर अपनी इक्वेशन लिखना y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां से कंपेयर करके एम्पलीट्यूड तो 10 आ गया, ओमेगा यहां से 2 पाई आ गया, के यहां से 2 पाई इंटू 0.005 आ गया, फिर ओमेगा आ गया तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी आ गई, के का मतलब क्या कराया था, ओमेगा बाय वी, ओमेगा आपने निकाल लिया, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू भी आ गई। बहुत पेपर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, कंपैरिजन पे क्वेश्चन बहुत आएंगे, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, मतलब वो तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, मैं जब पेपर लेके आया हूँ मेंस और नीट जो भी कॉम्पिट उसमें देख लेना, उसमें करके देख लेना, कंपेयर करके प्रैक्टिस वहीं से करवा दूंगा, बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वाई की वैल्यू क्या है, 6 अपॉन x² + 3, तो ये वेव की इक्वेशन वाई और एक्स के बीच में रिलेशन है, इसमें टाइम नहीं आ रहा, तो आपको ये बताना है, आपको ये गिवन है कि वेव आगे मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपको किसी भी इंस्टेंट पे बताना है कि वेव की इक्वेशन क्या होगी। तो देखो ये ना ऑप्शन में गिवन होगा, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये गिवन होगा ऐसा ऑप्शन कि एक्स माइनस वी टी होगा, एक्स प्लस वी टी होगा, जब एक्स माइनस वी टी होगा तो वेव लेफ्ट से राइट जा रही होगी, तो ऐसा कुछ आंसर मार्क करना है, क्योंकि आपको ये इक्वेशन गिवन है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। अब वी टी तो वेलोसिटी तो 5 ही है इसमें, तो जहां आप एक्स देखेंगे उसमें या तो एक्स प्लस आएगा या एक्स माइनस आएगा, अगर तो लेफ्ट से राइट जा रही है तो माइनस आएगा, राइट से लेफ्ट आ रही है तो यहाँ पर प्लस आएगा। आपको आपकी इक्वेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो गिवन है, तो ये उसने हटा दिया, तो आपको सिर्फ ये इक्वेशन गिवन है, आपको मार्क करना होता है इसको देख के कि एट टाइम टी क्या वेलोसिटी होगी। जैसे ये इक्वेशन है, वाई का ये फॉर्मूला देगा, कहेगा कि वेलोसिटी निकाल लो पार्ट वेव की क्या होगी, तो इसको ठीक तरह करके लिखेंगे, जरूरी नहीं साइन कॉस में हो, ऐसा भी आ सकता है, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एटी का एटी माइनस अंडर रूट ऑफ बी एक्स का होल स्क्वायर, चेक करो ये पूरी इक्वेशन यही है, तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये टर्म क्या बनेगी ओमेगा टी, और ये क्या बनेगा के एक्स, तो ओमेगा टी में से ओमेगा आ गया रूट ए और के क्या आ गया रूट बी, के का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा बाई बी, तो वी क्या होगा ओमेगा बाई के आंसर। तो कहने का मतलब कि कुछ भी अजीब वगरीब इक्वेशन दे सकता है और उसमें से ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में आपको निकालना पड़ेगा, इसे कोई होल स्क्वायर दे देगा, जैसे अगला क्वेश्चन है ये देखो ऐसा दे देगा, तो कंपेयर कर लो, ये इक्वेशन दी हुई है कोई बात नहीं रहने दो, ये क्या बन गया ओमेगा टी, ये क्या बन गया के एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 1/T और के क्या आएगा यहाँ पर 1/λ, तो डिवाइड करके वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब कुछ भी छुपा होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स की फॉर्म में, ऐसा कुछ दे सकता है वेव की इक्वेशन, बाकी नॉर्मल है इसमें। जैसे ये इक्वेशन दे देगा, कहेगा सब कुछ निकाल दो, तो ठीक है आप अपनी इक्वेशन लिख लो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव ही आएगा इस बार, इनिशियल फेज 5 है, तो एम्पलीट्यूड 5 है, ओमेगा 6 है, के इसमें 2 है, सॉल्व करके वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे होगा, तो जैसे इसका एम्पलीट्यूड 10 है, कहेगा इसका एम्पलीट्यूड निकाल दो, हमने शॉर्टकट किया था, साइन और कॉस है तो इसके कोफिशेंट का स्क्वायर एम्पलीट्यूड है, तो ऐसा आंसर, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एम्पलीट्यूड पे। नेक्स्ट इसमें पाइप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ना क्लोज्ड ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 है, तो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन, अब आप टेबल चेक करो, कौन सा केस है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड एट बोथ हैंड की कोई पाइप नहीं होती, दोनों हैंड बंद करोगे तो बजा कहाँ से बजेगा, आवाज़ कहाँ से आएगी, बजेगा ही नहीं, तो क्लोज का मतलब एक एंड क्लोज्ड है एक ओपन है, तो ये दूसरा केस है, कौन सा ओवरटोन है सेकेंड, कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है थर्ड, थर्ड मोड में थर्ड मोड में चेक करो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 5 टाइम्स फंडामेंटल, फंडामेंटल यहाँ पर कितने गिवन है 50, इतना करने की जरूरत क्या है 5 × 50 250 आंसर। नेक्स्ट देखो क्लोज ऑर्गन पाइप है फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल 50 है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, पहली 50 है तो दूसरी 3 × 50 है, नेक्स्ट 5 × 50 है, नेक्स्ट 7 × 50 है,
दो इंटू पचास तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें जो ऑड मल्टीपल होते हैं इसमें होता ही नहीं है। जैसे ये रहा फंडामेंटल नोट, यानी कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस बाय क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ। क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसी होती क्या है, फंडामेंटल वी बाय फोर एल, और ये एफ गिवन है, यहाँ से वी बाय एल निकाल लिया। कह रहा है फंडामेंटल नोट ओपन ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, ओपन में फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, वी बाय टू एल, तो वी बाय एल यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करके आंसर क्या आ गया, टू एफ। तो ये ऑर्गन पाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब उस टेबल से मार्क होने वाले हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है। ये आपको पूरा रेफर करना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे होगा, पूरी बुक इसको अपलोड कर दूंगा शीट्स को भी, तो वहां से सारी चेक करनी है आपने। नेक्स्ट इसमें रेजोनेंस ट्यूब पे क्वेश्चन आता है, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है ये, बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स में ये इसका सिलेबस एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है, जो वर्नियर कैलिपर रेजोनेंस ट्यूब। तो रेजोनेंस ट्यूब में क्या होता है, प्रैक्टिकल करते हैं रेजोनेंस ट्यूब में, तो यहाँ पानी भर के रखते हैं, ऊपर ट्यूनिंग फोक लगाते हैं, ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर ना एक बड़ी जोर की आवाज़ आती है, हमिंग नॉइज आती है, तो इसका मतलब पता लग जाता है कि यहाँ पर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। पहले पानी पूरा होता है, भरा होता है पानी, पानी लीक करते हैं तो जैसी आवाज़ आती है पानी को रोक लेते हैं। तो इमेजिन किया जाता है कि यहाँ पर एंटी नोड और नोड बन गया, क्योंकि साउंड गई होगी टकरा के वापस आई होगी, स्टैंडिंग वेव पहली जनरेट हो गई, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बन गया। व्हेन पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, ये लंबाई माप लेते हैं L1, फिर पानी और लीक करते हैं, फिर आवाज़ बंद हो जाती है, फिर आवाज़ एकदम फिर गूंजती है, फिर पानी रोक लेते हैं नीचे लीक होने से, तो लेंथ मापते हैं L2। तो इमेजिन किया जाता है सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जनरेट हो गया, फर्स्ट मोड में ये डायग्राम, सेकेंड में ये डायग्राम, दोनों डायग्राम में क्या अंतर है, ये एक लूप का अंतर है। एक लूप का मतलब क्या होता है, लैम्डा बाई टू, तो एल टू माइनस एल वन क्या है, लैम्डा बाई टू, यहाँ से लैम्डा आ जाता है, वेलोसिटी क्या होती है, न्यू क्या होता है, वी बाई लैम्डा, तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल इस पे आने वाला है, इस फॉर्मूले पे आने वाला है, ये नोट कर लो, एल टू माइनस एल वन इस डायग्राम के साथ लैम्डा बाई टू, बस इसी पे क्वेश्चन आएगा। रेजोनेंस ट्यूब देख ली तो यही टॉपिक लगेगा, फॉर्मूला भी यही लगेगा, एल टू माइनस एल वन इज लैम्डा बाई टू, वहाँ से ज़्यादातर ना लैम्डा पूछता है, वो लैम्डा आ गया, फिर आगे वी पूछना होगा, वी भी पूछ लेगा, मेन काम इसमें लैम्डा निकालने का होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें कि L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम ये मानते हैं कि हमारा जो एंटी नोड है बिल्कुल कॉर्नर पे बनता है ट्यूब के, पर एक्चुअल में कॉर्नर बनता नहीं, थोड़ा बाहर बनता है, हवा में बनता है, तो कितना ऊपर बनता है, 0.3 डायमीटर ऑफ ट्यूब बनता है, 0.3 टाइम डायमीटर ऑफ ट्यूब के ऊपर बनता है। तो आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला वैसे पता है क्या होता है, वी बाई फोर एल, पर अगर थोड़ा बाहर उसने का, इसको बोलते हैं एंड करेक्शन लेना, अगर एंड करेक्शन लेने को बोला गया तो फिर आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा फंडामेंटल में L प्लस 0.3 टाइम्स डायमीटर, ये भी करना पड़ेगा, ये भी नोट कर लें। ठीक है, ये भी नोट कर लें, एंड करेक्शन 0.3D हमेशा इसके इक्वल होगी, L2 माइनस 3L1 बाई 2, L2 L1 आपको बता दिया मैंने, दो ट्यूब में L2 और L1 क्या आता है, तो एंड करेक्शन इसके इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ना, इसके अंदर ठीक है, बीट्स के ऊपर बड़े स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आती हैं। बीट्स कुछ नहीं है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी है, जैसे पहले टाइप का प्रॉब्लम है, इसमें लिख दिया मैंने, जब भी बीट के न्यूमेरिकल में ये लिखा होगा कि ट्यूनिंग फोक के ऊपर हमने उसको फाइल कर दिया, फाइल कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फाइल का मतलब थोड़ा पतला कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी वो तेज तेज वाइब्रेट करेगा, बढ़ेगी।
लेकिन अगर लोडेड विद वैक्स कर दिया तो हिल नहीं पाएगा, तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। फाइलिंग का मतलब फ्रीक्वेंसी का बढ़ना और लोडिंग का मतलब फ्रीक्वेंसी का घटना। ठीक हो गया था? जैसे क्वेश्चन है, पॉइंट्स ऑफ प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोक बी ओरिजिनली इज यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी, नोट कर लें। यूनिसन का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। विद ट्यूनिंग फोक ए ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 आर फाइल्ड एंड द फोक प्रोड्यूस 3 बीट्स पर सेकेंड। तो कह रहे हैं कि कोई ट्यूनिंग फोक है और ट्यूनिंग फोक के अंदर कोई ट्यूनिंग फोक बी है, यूनिसन विद ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 384। तो यानी कि शुरू में ए की फ्रीक्वेंसी 384 है, तो बी की फ्रीक्वेंसी भी 384 है, यूनिसन है, तो यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी है, बात ही खत्म हो गई। अब वो कह रहा है कि आर फाइल्ड एंड फोक प्रोड्यूसेस 3 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड टुगेदर विद ए, व्हाट इज पिच ऑफ बी आफ्टर फाइलिंग। कह रहे बी को हमने ना फाइल कर दिया, बी की फाइलिंग कर दी, और बी की फाइलिंग से नंबर ऑफ बीट जो है वो जनरेट हुई कितनी, 3। अब बी को, बी की फ्रीक्वेंसी को फाइल किया तो बी की फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा की, नंबर ऑफ बीट 3 का मतलब कि अगर ए की फ्रीक्वेंसी 384 है तो बी की फ्रीक्वेंसी या 384+3 है या 384-3 है, क्योंकि या डिफरेंस, क्योंकि 387 होगा तो भी डिफरेंस 3 है, 381 पे भी डिफरेंस 3 है, तो कोई भी आंसर हो सकता है। और क्योंकि वर्ड फाइलिंग है, फाइलिंग का मतलब फ्रीक्वेंसी घटी होगी, तो आंसर क्या मार्क करेंगे, 3। क्या इसमें किसको फाइल किया, बी को फाइल किया ना, फ्रीक्वेंसी अभी 387 कैसे हुई फिर? ओ हाँ, इंक्रीज होगी, सॉरी वैक्स नहीं है, ठीक है। फाइलिंग का मतलब बोल भी रहा हूं कि इंक्रीज होगी, फाइलिंग का मतलब इंक्रीज होगी, तो बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी को मार्क करना, अगर ये वैक्स होता तो घटी हुई फ्रीक्वेंसी को मार्क करना, ठीक है भाई, ठीक है, इंक्रीज वाला हो गया। नेक्स्ट, अब वैक्स वाला अब आ गया, वैक्स वाला ज्यादा रटा हुआ है ना। तो ट्यूनिंग फोक अरेंजमेंट पेयर प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड विद वन फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 288 साइकिल्स पर सेकेंड, हर्ट्स ही होता है। अ लिटिल वैक्स इज प्लेस्ड ऑन द अननोन फोक एंड इट देन प्रोड्यूसेस 2 बीट्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन फोक क्या है, देखो नोन फोक 288 पे है, अननोन के साथ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना, 4 आ रहा है, 4 बीट्स पर सेकेंड है, तो अननोन की फ्रीक्वेंसी या तो 292 चार ज्यादा होगी या 4 कम होगी, तो इन दोनों में से एक आंसर है। अननोन के ऊपर कहता वैक्स लगा दिया, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो नंबर ऑफ बीट्स 2 रह गई, तो बोलो इन दोनों में से क्या आंसर है। वैक्स लगा लगा के देखना पड़ेगा, जैसे यहां पर वैक्स पहले मान लो आंसर आपने चूज किया 292, थोड़ा वैक्स लगाया तो आंसर 291 भी हो सकता है, और वैक्स लगाया 290 भी हो सकता है, और वैक्स कुछ भी हो सकता है। तो आपने अब ये देखना है कि क्या इसमें से कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है
कि इसका और इसका डिफरेंस क्या दो आ सकता है? आ सकता है। देखो 286 के साथ दो आंसर आ रहे हैं, तो ये आंसर हो सकता है 292। इस पे वैक्स लगाया तो ये सारे केसेस हो सकते हैं। इसमें वैक्स लगाने के बाद इन दोनों का डिफरेंस दो आ रहा है, यानी कि केस पॉसिबल है, तो आंसर ये हो सकता है। इस पे देखें 284 पे जब वैक्स लगेगा, करते 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 फ्रीक्वेंसी घट रही है, इसका कोई भी केस में डिफरेंस दो नहीं आ सकता, तो आंसर क्या मार्क करेंगे? 292। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि वैक्स वाली प्रॉब्लम कैसे करनी है। तो आप वैक्स लगा लगा के दोनों केस पे देखें, केसेस बनाए, जिसके साथ डिफरेंस दो मैच करके आप उसको आंसर मार्क कर देना। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये बीट्स की प्रॉब्लम है, जो बड़ी फेमस दो प्रॉब्लम है ये वाली। अब एक काम करते हैं, इसमें ये लो क्वेश्चंस, अब ट्राई करो सीधा, ये लो। तो इसके अंदर स्टील वायर है जिसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू गिवन है, टेंशन गिवन है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? वी का अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। टी पता है, म्यू पता है आंसर, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या देगा? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 100। नेक्स्ट, कंपेयर करो ओमेगा टी माइनस के एक्स से, कंपेयर। तो क्या लिखेंगे? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर मान लो ये ऐसा नहीं लिखने को बोल रहा है, ऐसे एक्स वाली टर्म पहले उल्टा लिख लो, के एक्स माइनस, कोई फर्क नहीं है उसमें। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 8, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो वेलोसिटी क्या है? ओमेगा बाय के क्या है, सॉरी, के का फॉर्मूला क्या करवाया था? K is equal to omega by v, तो v निकाल लेना। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो कितना आंसर मार्क किया? C। नेक्स्ट, ठीक है यार, स्पीड दे रहा है, इतनी भी नहीं है, बुक बुक है, ऐसे कर दिया आंसर सीधा भी। अच्छा ठीक है, आंसर याद हो गए, आसान पेपर आया 2023 का, ऐसी बात नहीं है। आंसर इसका डी है, और डी है। तो क्या गिवन है? सॉलिड रॉड है, वाई गिवन है, डेंसिटी गिवन है, ए की तो फॉर्मूला आता है वाई और उसका रो का, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई बाय रो। चेक कर लो अपने फॉर्मूलाज, नहीं भी याद तो कम से कम इतना तो याद ही होगा, वाई ऊपर आता है, रो नीचे आता है, वैसे ही आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, तो पहले काम करो, इसमें 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना, तो वेव वेलोसिटी क्या है इसमें? वी, वेव वेलोसिटी वी है,
और पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। कोई मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी मैंने को रटा तो दी थी, ए ओमेगा, टू टू इंटू ओमेगा। तो करो वेव वेलोसिटी वी है और वो ए ओमेगा है, इक्वेट करो, इतना ए ए है। तो वेव इधर देखो, सीधा देखो, वेव वेलोसिटी क्या है, ओमेगा बाई के, वी इक्वल टू ओमेगा बाई के, और पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, ए ओमेगा। ये छोड़ो डिफरेंस आता है हमें ये आंसर, तो वन बाई के आ गया। के क्या होता है, टू पाई बाई लैम्डा बताया था, तो टू पाई बाई लैम्डा से आंसर आ गया, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, है कि नहीं। पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम पे क्वेश्चन आया पर तो ए ओमेगा से सीधा ही आंसर आ गया। नेक्स्ट थी। तो क्या किया इसमें, पहले ना इसमें इसको ओपन करो, मैंने सिखाया था ना, इसको ऐसे मत रखना। तो y इज इक्वल टू 0.5 साइन ऑफ, वैसे तो उससे हो जाएगा, ये एक और इक्वेशन करवाई थी, a साइन 2 पाई बाय लैम्डा इन टू वी टी माइनस x। तो मेरे को v तो वैसे ही 400 आ गया इसमें, 400 नहीं इसका आंसर क्या, कुछ कम नहीं, जरूरी इसको मल्टीप्लाई ओमेगा टी एम एस के एक्स करना है। दो ही क्वेश्चन याद करा रखे हैं, दूसरे से कर लो। नेक्स्ट कितना क्या आंसर है इसमें, वेव वेलोसिटी निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू, इसे ओपन करो, 10 साइन 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। तो ये क्या बनेगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई और ये के की वैल्यू आ गई, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो पार्टिकल वेलोसिटी आपको पता ही है, ए ओमेगा 10 ओमेगा, सॉल्व करो। तो वेव की वेलोसिटी इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करके पार्टिकल वेलोसिटी तो आई गई ए ओमेगा, ओमेगा 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, और पुट कर देना, एक वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी यहाँ से आएगी कंपेयर करके, आंसर लैम्डा कितना आ रहा है, 5 पाई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वेव की इक्वेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर वेव की इक्वेशन है, क्वेश्चन आई वेव की क्वेश्चन में रहे मेरे को लगता है, सारे करके जाना, लेकिन पेपर पुराने भी पता लगे, एक को रेफरेंस मान लिया, दो तीन साल के करना, उसमें और क्वेश्चन की वैरायटी भी मिल सकती है। कितना, हाँ बी पता ही है, ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा एक्स के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक ही बात। नेक्स्ट
टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स एक्स एंड जेड सेम मटेरियल्स हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज गिवन है, फॉर्मूला क्या लगाया, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। हाँ ठीक है, तो इसमें यही निकालना है और फंडामेंटल नहीं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू वन बाई ट्वेल्व अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, ये लगना चाहिए फॉर्मूला। वी फंडामेंटल क्या थी, स्ट्रेच स्ट्रिंग में ये थी, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन। तो पहले फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए फिर सेकेंड स्ट्रिंग के लिए दोनों को डिवाइड कर लेंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी की रेशियो आ जाएगी। ठीक, तो आंसर का ए, ए बोला था आपने, ए आ रहा है। नेक्स्ट, वेव वेलोसिटी निकालनी है, कंपेयर करेंगे ना ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा आ गया के आ गया, वेव की वेलोसिटी क्या आ रही है, बीस हो जाएगा सॉल्व, ओमेगा आ गया के आ गया, सॉल्व करके वेव की वेलोसिटी निकाल लेना 20। नेक्स्ट फिर से स्पीड ऑफ वेव निकालनी है, फिर वही 2π से मल्टीप्लाई कर लेना, पहले गड़बड़ ना कर देना ये भूल में जाना, वो जानबूझ के 2π देगा, तो 10 की पावर माइनस 2 साइन ऑफ 2π इंटू 160t माइनस 2π इंटू 0.5x प्लस 2π इंटू पाई बाय 4, तो ये क्या बनेगा ओमेगा टी, ये क्या बनेगा kx, तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा k, यहां से सॉल्व करके क्या आएगा ओमेगा, वेलोसिटी निकाल लेना कितना, दोनों गलत, ये कैसे हो सकता है 1152, भाई ऐसे मत करो, किलोमीटर पर आर में निकालना है क्या, किलोमीटर पर आर में भी निकालना है, आंसर तो ये आ रहा है यार, अरे अरे ठीक। नेक्स्ट है, सोनोमीटर का मतलब होता है स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग का जो एग्जांपल है सोनोमीटर का एग्जांपल है, तो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर व्हेन मास ऑफ 180 ग्राम इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग इट वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज, तो टेंशन आ जाएगी 180 g में, व्हेन m इज अटैच्ड तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो m निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, स्ट्रेच स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इज 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो यानी कि यहां पर फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा इसमें, नहीं म्यू तो सेम रहेगा, टेंशन, टेंशन चेंज होगी, वेट चेंज हो रहा है ना, पहले केस में वेट क्या है 180 g, दूसरे केस में mg, तो वहां से सॉल्व करो जरा, तो क्या आंसर आ रहा है इसमें, हाँ ये देखो 30 इज इक्वल टू टेंशन बाय म्यू, नेक्स्ट में 50 इज इक्वल टू टेंशन बाय म्यू, पहले केस में 180 g, दूसरे केस में mg, इन्हें डिवाइड करके m की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर आएगा m 500 ग्राम। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है समझ में आ रहा है, सोनोमीटर का मतलब स्ट्रेच स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो वही क्वेश्चन ही अभी किया था, एम्पलीट्यूड कितना है 10 है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 5 को मल्टीप्लाई करो, इस 5 और इसका कोफिशियंट क्या है 5√3, तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, तो आंसर फिर 10 ही आएगा, ओपन करके साइन के कोफिशियंट का स्क्वायर और कॉस के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसी था ना, तो यहाँ से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या आएगा ये बताना है, एक 10 है एक 10 है, ये तो 10 है ही है,
इसमें इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है, मल्टीप्ल, ये तो बहुत लंबा कर गया यार, इसका भी 10 ही है, तो 10 है और 10 है, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब ये क्या कर रहा है, 2 इंटू कॉस इंटू 10 इंटू 10। अब इस प्रॉब्लम है, उसमें इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड नहीं पूछा, इंडिविजुअली इसमें 10 है, इंडिविजुअली इसमें कितना है, जो भी 10 आ जाएगा, उसे रिजल्टेंट पूछा आफ्टर सुपर पोजिशन। अब ये मेडिकल का क्वेश्चन तो नहीं है, कम से कम नॉन मेडिकल वाले इसको पहले ठीक तरह करके लिखेंगे, अपने ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड जो स्टाइल करते हो आप, सॉल्व करके ऐसी इक्वेशन बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन किसमें, साइन में, दूसरी इक्वेशन भी किसमें बन रही है, साइन में, तो फेज डिफरेंस दोनों में कितना है, जीरो। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ जीरो आंसर आएगा। नीट में नहीं आएगा ऐसा कन्वर्ट करने वाला काम, बट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है। नेक्स्ट, आंसर 2 है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पासिंग थ्रू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ गिवन एंड मास गिवन इज 60, तो मास पर यूनिट लेंथ भी आ जाएगा। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, यंग मॉडुलस गिवन है, एक्सटेंशन ऑफ द वायर निकालनी है। देखो मेन बात तो ये है इसमें कि आप इसमें वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, वाई में आपको डेल्टा एल निकालना है, आपको टेंशन चाहिए, टेंशन और वेलोसिटी का रिलेशन है, तो आप पहला फॉर्मूला लगाएंगे वी का अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, और म्यू को लिखेंगे मास अपॉन लेंथ। तो इस फॉर्मूले से स्क्वेयरिंग करके इस फॉर्मूले से आप पहले टेंशन निकाल लेंगे, आपको लेंथ पता है, मास पता है, वेलोसिटी पता है, आपकी टेंशन आ जाएगी। टेंशन का फॉर्मूला यंग्स के अंदर पुट करेंगे, डेल्टा एल की वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, आंसर 15 आ रहा है। मेथड समझ में आ रहा है,
तो पहले वेलोसिटी और टेंशन के फॉर्मूले से पहले आएगी टेंशन, फिर यंग मॉडल्स के फॉर्मूले में टेंशन की वैल्यू पुट करके आपके पास डेल्टा एल का आंसर आएगा। नेक्स्ट स्टेशनरी वेव इक्वेशन करवाई थी, कंपेयर करो 2π/λ × x, याद है कॉस ऑफ 2π/λ × x, तो 2π/λ × x को इससे कंपेयर करके लैम्डा आएगा, आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, जब x की इतनी है 4/3, इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है उसमें अगर आपने देखा हो तो ये जो टर्म है ये क्या होती है इसके आगे वाली टर्म एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा 10cos π x, बस x की वैल्यू पुट कर दो आंसर आ गया, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। देखो ना इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या आ गया, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड, इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे 4/3, 4π/3, 4π/3 का मतलब क्या होगा π + π/3, तो पाई प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या है नेगेटिव है आंसर, मैथ्स भी है ठीक। नेक्स्ट तो इन अ रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ट्यूब इज फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ सितारा फ्रॉम द बॉटम, इट रेजोनेट्स विद अ गिवन ट्यूनिंग फोक, जब वाटर लेवल को रेज किया नेक्स्ट रेजोनेंस 24.5 पे है तो वेलोसिटी क्या है, करवाया था आज मैंने आपको L1 L2 गिवन है, करवाया था रेजोनेंस ट्यूब में L1 L2 गिवन है, तो फॉर्मूला क्या करवाया था, ये नहीं करवाया था ये वाला L2 क्या फॉर्मूला था, L2 - L1 वॉज इक्वल टू कितना λ/2, तो लैम्डा क्या था 2 × L2 - L1, तो क्या जाएगा लैम्डा, लैम्डा अगर आ गया, लैम्डा आ गया तो निकालनी क्या है इसमें वेलोसिटी, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है चेक करना, साउंड की वेलोसिटी है 330, साउंड की वेलोसिटी 330 है, आवाज आ रही है ना, लैम्डा आपने निकाल लिया साउंड की वेलोसिटी 330, तो फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है यहां तो कैसे करना है, सबसे पहला काम लैम्डा निकालने का है, फिर v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा में वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 पता ही है, लैम्डा आपने निकाल ही लिया वहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, तो समझ में आ रहा है रेजोनेंस ट्यूब का क्वेश्चन कैसे आए ठीक। इसका आंसर ओपन एंड बोथ एंड है, लेंथ पता है, स्पीड पता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हारमोनिक, सेकेंड हारमोनिक का मतलब क्या करवाया था 2 × फंडामेंटल, तो 2 × फंडामेंटल फॉर्मूला क्या था ओपन ऑर्गन पाइप में V/2L, ये निकालना है V/L निकाल लेना, V पता है L पता है आंसर सही। तो अगर फॉर्मूला सारे क्लियर है देखो दिक्कत ही नहीं है कोई भी, पूरा पेपर ही ठीक चल रहा है। गिटार स्ट्रिंग जिसकी लेंथ गिवन है वाइब्रेट्स विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज, लेंथ पता है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है गिटार स्ट्रिंग की, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, फ्रीक्वेंसी 1/2L अंडर रूट ऑफ T/μ, जरूरत नहीं है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ लगा दो बस, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बाकी चीजों चेंज करने को बोल ही नहीं रहा, तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकाल लो कि एक में लंबाई 90 सेंटीमीटर है फ्रीक्वेंसी 120 है, लंबाई क्या होगी अगर फ्रीक्वेंसी 180 है कितना आ रहा है 60 आंसर, तो v फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ से आंसर आएगा।
वायर जिसकी डेंसिटी पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम पता है, दो क्लैंप्स के बीच में इसको खींचा गया, एक्सटेंशन आपको वायर में गिवन है, वाई पता है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन द वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या निकालना है इसमें, लेंथ निकाल, लेंथ भी है, क्या निकालना है इसमें, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वी बाई फोर एल। यंग मॉडल्स के फॉर्मूले से क्या निकलेगा, एक्सटेंशन आ गई, टेंशन निकलेगी, हाँ वाई से फोर्स निकलेगी, तो पहले यंग मॉडल्स का फॉर्मूला लगेगा, वहां से पहले टेंशन आएगी, उस टेंशन को उठा के यहां पे पुट किया जा सकता है ताकि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ जाए, सही है ना। तो पहले यंग मॉडल्स का फॉर्मूला लगा के टेंशन, टेंशन को स्ट्रेच स्ट्रिंग में यहां पुट करके म्यू की वैल्यू आपको पता है, यहां से आंसर आएगा, एरिया कट जाएगा ना, एरिया टेंशन और म्यू का मतलब क्या है, म्यू का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, पर वो आपको दे रहा है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी मास, ऐसे कन्वर्ट करा सकते हैं, ये ट्रिक है इसमें, ये ट्रिक यूज की इसने म्यू की, जो म्यू है उसको इसने ऐसे पुट किया, एरिया इंटू डेंसिटी पुट किया, एरिया इंटू डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या है, मास, और एक लेंथ हटा दी तो मास पर यूनिट लेंथ, इंपॉर्टेंट है भाई, मास पर यूनिट लेंथ इज एरिया इंटू डेंसिटी, सही है ना, एरिया इंटू डेंसिटी इज म्यू, अब आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कह रहे इसमें हार्मोनिक्स है 1 3 5, यानी कि पाइप क्लोज एट वन एंड ओपन एट अदर एंड का केस है, तो ऑड हार्मोनिक है इसमें, क्या निकालना है आपको इसमें, कह रहे फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इतनी गिवन है, तो ये न्यू 5 × ν₁ है, तो ν₁ फंडामेंटल यहाँ से आ जाएगी ना, 5 × ν₁, फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब 5 × ν₁, 5 × ν₁ क्या है 405, वहां से ν₁ आ जाएगा, तो स्पीड आपको पता है, लेंथ आपको निकालनी है, तो फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या है, v/2l, v/4l, ठीक है v/4l, ठीक है, वन एंड क्लोज है तो यूज कर लो फॉर्मूला, आंसर कितना आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है। इसमें ऐसे कर लेना ना, फिफ्थ हार्मोनिक है 5 × ν₁, 405, यहां से क्या आ गया, ν₁, ν₁ क्या है, v/4l, निकाल लो यहां से, v पता है, l निकाल लो, मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, ठीक। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन टू सपोर्ट इज 50, फंडामेंटल 50 गिवन है, मास ऑफ द स्ट्रिंग पता है, लीनियर मास डेंसिटी पता है, मास पर यूनिट लेंथ म्यू पता है, स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव क्या होगी, 190 आ रहा है, तो फंडामेंटल फॉर्मूला क्या लगाया, फंडामेंटल का फॉर्मूला v/2l लगाया, ठीक, v/2l हो गया, तो न्यू क्या हो गया, वी फ्रिक्वेंसी इंटू 2l हो गया, अब लेंथ कैसे निकालनी ध्यान से देखो, म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ क्या है m अपॉन म्यू, ये यहां ट्रिक यूज किया, लेंथ की जगह m बाई म्यू, आंसर आ गया, ठीक है ना,
क्या आंसर है? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाल लिया इसने, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाल लो, ऐसे कर लो आप भी, दो देखो कोई भी फ्रीक्वेंसी है, आप कोई भी दो कंसेक्टिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करोगे तो फंडामेंटल का डिफरेंस ही आएगा। न्यू टू को न्यू वन में से माइनस कर दो, न्यू थ्री को न्यू वन में से माइनस कर दो, तो आंसर तो यही आएगा, फंडामेंटली आएगा। तो उसने भी दो कंसेक्टिव फ्रिक्वेंसीज को माइनस करके फंडामेंटल निकाल लिया। यहाँ से आपको क्या चाहिए? म्यू चाहिए, टेंशन पता आंसर आ गया, सही है ना? कि हाँ वैसे भी कर सकते हो, हाँ फिर एन निकालना पड़ेगा, इसमें एन निकालना पड़ेगा कि किन्हीं भी दो फ्रिक्वेंसी को माइनस करोगे आएगी तो फंडामेंटल ही ना, कंसेक्टिव माइनस कर रहे हो ना, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पहली अगर 10 है तो दूसरी 2 इंटू 10 है, तीसरी 3 इंटू 10 है, 4 इंटू 10 है, माइनस करके किन्हीं भी दो फ्रिक्वेंसी को आंसर तो 10 ही आएगा ना, ये ज़्यादा आसान है। दो वेवलेंथ का क्या करेंगे? हीट्स का क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, न्यू टू माइनस न्यू वन 40 है, तो न्यू को लैम्डा में कन्वर्ट करेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी 40 है ना, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू टू माइनस न्यू वन या न्यू वन माइनस न्यू टू। न्यू क्या है? वी बाय लैम्डा, वी बाय लैम्डा। बीट फ्रीक्वेंसी पता है 40 बीट्स इन 12 सेकंड, और बीट हमेशा पर सेकंड निकलती है, तो पर सेकंड ने 40 को 12 से डिवाइड किया, लैम्डा गिवन है, यहां से भी आ गया, ठीक है, सही क्वेश्चन निकाला उसने। नेक्स्ट है, दो बीट्स जनरेट हो रही हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 9 एक की 11, तो कौन सा ग्राफ सही है? चाहिए ही नहीं, डी तो आंसर है नहीं, मत मांगना, एबीसी में से है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? दो। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? 1/2, 0.5। तो वो ग्राफ देखो जिसमें टाइम पीरियड 0.5 है। टाइम पीरियड का मतलब जिनकी जो दो पीक्स हैं उनके बीच में डिफरेंस 0.5 है, ये बनेगा। फ्रीक्वेंसी निकाल लो पहले, माइनस करके दो आ गई, बीट फ्रीक्वेंसी आ गई। बीट फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड है जब बीट जनरेट होती है, टाइम पीरियड आ गया 0.5 रेसिप्रोकल है, यानी कि मैक्सिमा 0.5 सेकंड में रिपीट होगा या मिनिमा भी 0.5 सेकंड में रिपीट होगा, तो दो मैक्सिमा कहीं भी चेक कर लो, 0.5 आएगा इनके बीच में डिफरेंस। ये आंसर है ए।